दोस्तों मेरा नाम है गुरदित सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोनों की वीडियो भाई आ जाएगी 1916-17 और 1918 T। इनमें क्या क्या दोनों में बदलाव है, दोनों गाड़ी क्या क्या फीचर लेकर आती है, 2021 मॉडल 2015, उसके बाद क्या क्या चेंजिंग की है भारत में वो भी बताऊंगा। आज जो इस गाड़ी में क्या क्या फ़र्क है वो भी बताऊंगा, क्योंकि भाई अल्ट्रा जो अल्ट्रा ही है, भारत बेंज तो भारत बेंज है, तो दोनों के बारे में बताऊंगा आज मैं। पहले मैं आपको आज अल्ट्रा के बारे में नहीं, पहले मैं भारत बेंज के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर फीचर है। अगर देखा जाए सामने से तो कैबन की जो चौड़ाई है तो अल्ट्रा से थोड़ी सी भाई ज़्यादा लग रही है ना भाई, ज़्यादा चौड़ाई है। अगर कैबन की बात करें, डोरों की बात करें, थोड़ा कैबन पीछे को भी जो है ज़्यादा स्लीपर कैबन है। यहाँ से यहाँ तक लगा लो कम से कम 5 से 5.5 फुट पीछे का कैबन है। यहाँ पे भी काफ़ी आपको स्पेस मिल जाता है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अगर इस तरफ की बात करें यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस है, तो ये थोड़ा सा भाई फर्क जरूर है अल्ट्रा और भारत बेंज में। टैरों की बात करें 995/90 R20, टैरों की बात करें 995/R20 टैरों की दें सेम बात है। इंजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इंजन कितना पावरफुल है भाई इस गाड़ी का, तो वो भी आपको बता देते हैं कितना इंजन पावरफुल है। इंजन अगर देखा जाए यहाँ से भाई धाकड़ इंजन लगता है पूरा, अगर इस तरफ इंजन देखा जाए तो भाई छोटा लग रहा है इंजन। ये तेल वगैरह भी कुछ लीकेज हो रही है, चेक कराने का काम है। तो लेकिन 170 HP का इंजन है इस तरफ। इस तरफ अगर इंजन की बात करें 180 का शायद, 180 का है जो इधर, 180 इंजन का हॉर्स पावर, 170 काफ़ी फ़र्क आ जाता है दोस्तों, 10 हॉर्स पावर का फ़र्क आता है। हेडलाइटों की बात करें सर, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी लुक है हेडलाइटों की। क्यों भाई साहब लुक बहुत कैसी, लाइटें वगैरह कैसी इसकी? बहुत बढ़िया लुक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई लुक बहुत ज़बरदस्त है, फीलिंग बहुत चलाने में तोरा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसकी टॉर्क है, जो कार जैसी भाई कहता फीलिंग आती है, टॉर्क काफी। लंबी कितनी भाई साहब ये गाड़ी? 22 फुट। देखो ये भारत बेंज को टक्कर दी, भारत बेंज जो गाड़ी इस टाइम, उस टाइम लिखी मैंने 20 फुट थी, अभी गाड़ी 22 फुट ही जो भारत बेंज की शायद आ रही है, 24 आ रही है। और इसमें एक बात और है, यहाँ पे भाई इसके अंदर यूरिया दे दिया है, यहाँ पे डीजल टैंक दे दिया है। इसमें भारत बेंज में बता देता हूँ मैं कि 65 लीटर यूरिया भाई साहब कहते हैं इसमें आ जाता है। लेकिन भारत बेंज में जो BS3 है ना, ये इसमें आपको 180 लीटर का टैंक मिल जाता है डीजल का, यूरिया बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये भी काफ़ी फ़र्क है। 20 फुट चौड़ाई कितनी सर गाड़ी की आपकी? 7.5 फुट की है। 7.5 फुट है, भारत बेंज मिल जाती है आपको 7-10 मिल जाती है। तो भाई मैं बात करूँगा, एक तो यहाँ से अगर हम डोर ओपन करते हैं भारत बेंज का, तो यहाँ पर ये तरीके की फीलिंग है। तो सीट की बात आते हैं, ये नॉर्मल सीट आती है, ये नॉर्मल स्टेयरिंग आता है, ठीक है, ऊपर नीचे एडजस्टमेंट हो जाता है। कैबन काफ़ी हमारा खुला है देख सकते हैं। तो इस अल्ट्रा का मैं भारत में जो काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो अल्ट्रा के बारे थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि इसका कैसा है भाई, खोलती सार कैसा लगता है आपको? सीट भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत यहाँ से इसका जो स्पेशल ऐसे फीलिंग आती खोलने में, देखो क्या बात है। इंटीरियर की बात कर, देखो टाटा एक एक चीज़ का ख्याल रखता है। जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला यहाँ पे लाइट जलगी, क्योंकि कभी भी दरवाजे में कोई लग ना जाए किसी के साथ, रात को मान लो कोई गाड़ी वाला, तुरंत लाइट जल जाएगी। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। तो भाई साहब पंखा चला रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पे आगे भाई सीट, क्या बात है जी, क्या बात है। तो दोस्तों मीटर की बात करेंगे आज, ये हो गया भाई अल्ट्रा का मीटर। काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर फीचर आपको मिल जाते हैं, काफ़ी इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। 2,29,699 किलोमीटर गाड़ी चल गया, 6.4 की एवरेज आ रही है भाई। एवरेज भाई हमारी भी 6 की आ रही है, पर अल्ट्रा की ज़्यादा एवरेज आ रही है। अल्ट्रा का जो टॉर्क है ज़्यादा है, पिकअप ज़्यादा है। तो 2,29,669 चलने के बाद क्या आई दिक्कत, भाई से भी पूछते हैं कि क्या क्या परेशानी आई है अल्ट्रा के बारे में। जेन्युइन ओनर रिव्यू करके हम इसीलिए बताते हैं। गियर देख लो भाई साहब, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? सबसे पहले सर आपका नाम जी? शेर सिंह है। शेर सिंह जी, 2,29,000 किलोमीटर चल गई, कौन सा मॉडल गाड़ी है ये? ये सर है टाटा गाड़ी है,
अल्ट्रा 1918 जी। कब ली थी सर आपने जी? ये ली थी मैं 2021 में। तो कोई दिक्कत भी है इतने लाख किलोमीटर चलने के बाद? कोई टायर खार यो कुछ भी? इसमें सिर्फ गियर में दिक्कत प्रॉब्लम आई मेरे को, और कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज बढ़िया है इसकी। अच्छा एवरेज बढ़िया। गियर में क्या दिक्कत आ गई थी? गियर में मतलब आवाज करके मतलब दिक्कत, मतलब आवाज आई ना गियर जिदा दूजा पाना तीजा। हाँ जी। कर कर करके आवाज नहीं, कड़े दिक्कत बहुत दिखती थी। अच्छा कड़ियों की दिक्कत। हाँ, ये 22 फुट लंबी गाड़ी है। 22 फुट लंबी गाड़ी है। पहाड़ पूड़ में दिक्कत भी चढ़ाई चढ़ू? नहीं नहीं, बाकी की दिक्कत नहीं आती गाड़ी नो। हाँ जी। गाड़ी माइलेज वधिया देंदी। हाँ जी। खाली गाड़ी दा 7-8 दी एवरेज देंदी, 9 दी एवरेज देंदी। 9 दी एवरेज खाली? भाई साहब 9 की एवरेज क्या बात है। खाली गाड़ी 9 दी एवरेज दे जांदी। हाँ जी। ऊपर ये 6.5 दी है, 7 दी 6.5 7 दी होई जांदी। हाँ जी। इन्नी एवरेज देंदी। ठीक है जी। तो सर गाड़ी एसी है? नॉन एसी है जी। एक तो देखो जी, आज के जमाने में मैं बता देता हूँ, आज के जमाने में आपको पता है सभी ड्राइवर भाइयों की बैक पेन है। बैक पेन का टाटा ने सोल्यूशन कर दिया। ये देखो जब आप ऐसे हिलते रहेंगे तो आपकी बैक पेन की समस्या नहीं होगी। मेरे को भी बैक पेन है, करीब 6-7 महीने हो चुके हैं लेकिन बैक पेन नहीं जा रही। इस गाड़ी में टाटा ने इसका सोल्यूशन कर दिया, क्योंकि जब हम एक जगह बैठे रहेंगे हमारी रीढ़ की हड्डी एक ही जगह प्रेस रहेगी। जब हम ऐसे करते रहेंगे हमारी रीढ़ की हड्डियों को गैप मिलता रहेगा, यानी कि मसाज होती रहेगी, थकावट नहीं होगी, सबसे बड़ी कमर दर्द नहीं होगी। कमर दर्द? बाबा जी कभी कमर दर्द तो लगी आपको? जरूरत नहीं, कमर दर्द नहीं लगती। हाँ जी। इसकी फीलिंग बड़ी है, कार वाली फीलिंग गाड़ी दी। हाँ जी। मतलब इदां ही जंप ले जांदी अपने आप, हौले-हौले स्लो करी उपर करी थले करी उपर करी थले। अच्छा जी। सीट मतलब इदां जंप देती है। ऐसे जंप देती रहती है। सर कोई समस्या आई, मान लो कहीं फंस गए, गाड़ी ब्रेक डाउन हुई आपकी कभी? नहीं नहीं हुई नहीं, मारे महाराज की कृपा से हुई नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। बाई चांस हो जाए कंपनी साथ देती पूरा? कंपनी साथ देंगी भाई साहब, जब कॉल करेंगे तो आएंगे। हाँ जी जरूर आएंगे। तो सर कोई आपको इसमें कमी भी लगी कि कैबिन छोटा थोड़ा सा? ना कैबिन में दिक्कत आ रही है सर, कैबिन में थोड़ा लंबे लांजे बंदे को थोड़ा एक इंच इधर से हो जाता और हो जाता। 6.5 फुट आईड़ा बिच पूरी बिच बाधे थोड़े ताकि पैर उधर सिर लगे ना। अच्छा इधर टच हो जाएगा, इधर टच हो जाता है ना, थोड़ा पैर कट्ठे करके सोना पड़ता है। जब इतना पैसा लगाया थोड़ा सा चौड़ा होता है जैसे भारत बेंच का है, मतलब इतनी फीलिंग बहुत ज्यादा। कैबिन थोड़ा टाइट है भाई, भाईया कहना है एवरेज अच्छी है। पिकअप कैसा भाई साहब? पिकअप तो गोल छोड़ दो यार का, पिकअप ने बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बढ़िया पिकअप है। ब्रेक कैसी सर गाड़ी की? गाड़ी तो हर बंदा जानता, रोकनी भी जानना चाहिए। रोकने में गाड़ी की ब्रेक भी अच्छी है, ब्रेक भी अच्छी है, मतलब बहुत बढ़िया फीलिंग दे रही है गाड़ी। हाँ जी। कार की फीलिंग है और कोई बढ़िया, इतनी बढ़िया गाड़ी चलती है, बहुत बढ़िया। कार की तरह चलती भाई? कार की तरह क्या बात है, मैं चला के देखूं भाई? चला के देखो। लो जी भाई साहब कह रहे चला के देखो, मैं आज अल्ट्रा पहली बार चला रहा हूँ भारत में, तो मैं चला मेरे वीर जी देखो भाई की गाड़ी चला रहा हूँ। वाह जी वाह, ये होगी गाड़ी न्यूट्रल। तो गाड़ी ये देखो सायरन मारती है, स्टार्ट होनी है आपकी। वाहे गाड़ी होगी स्टार्ट। भाई साहब की गाड़ी बहुत ही जबरदस्त, गियर बिल्कुल मैं कहता कार की तरह, ये तो बिल्कुल और नरम हो गई है, बहुत ज्यादा बहुत स्टार्ट करने का नरम हो जाता है ना। हां जी 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 डाली आ गई। अच्छा यहां हैंड ब्रेक कहां है भाई साहब इसकी? हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक होगी नीचे। देखो बेल्ट की भी लाइट आ रही है ना, बेल्ट की लाइट है, फीलिंग पूरी मतलब कार जैसी फीलिंग है, जैसी फील। देखो भाई यार बड़ा फील। कितना वजन है भाई साहब गाड़ी में आपकी? में इसमें गाड़ी में 8 टन वजन है अभी भाई साहब, बिल्कुल जैपी नहीं होती गाड़ी है। क्या बात है भाई, अमेरिका की तरह लग रही गाड़ी, बहुत ज्यादा मतलब फीलिंग बहुत अच्छी गाड़ी। क्या बात है भाई साहब, ये तो मर्सिडीज को भी फेल कर गई भाई। मैं सोचा यार अल्ट्रा बहुत जंप होती होगी, नहीं, लेकिन भाई साहब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी है कि अब भाई मेरी तो भारत में भाई साहब बहुत ही जंप होती है। दिल करता कि आज ही अल्ट्रा ले लूँ आपके वाली में। यार उसमें भी स्प्रिंग नहीं ना होंगे आपके सीटों में? स्प्रिंग नहीं, एक तो कैबिन बहुत जंप होता है भारत में, खाली गाड़ी तो बहुत उछलती है। नहीं नहीं ये तो सबसे बढ़िया गाड़ी है, चलाने का मजा बहुत आ रहा है। कैसी लग रही है भाई? लगा रहा हूँ चक्कर अल्ट्रा का, देखते कैसी लगती। देखो देखो मेरे वीर गाड़ी देख रहा घुमा के कि कैसी फीलिंग आ रही है। ए बिल्लू का ढाबा सरपंच मल्हारगढ़। हाँ जी हाँ जी भैया देख रहे हैं, बोलते हैं गाड़ी देखना चला के कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है मेरे भाई साहब? बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है। अच्छा जंप नहीं करती गाड़ी?
अच्छी आ रही है अभी। एक चक्कर और लगा के आता हूँ। लगाओ मेरे भाई साहब, लगाओ लगाओ चक्कर लगा। थैंक यू थैंक यू। मेरे वीर गड्डिया लाइटा ला रहा है, धमाके मार रहा है। मेरे भाई साहब लगाओ लगाओ गाड़ी, बैग लगाओ। सरपंच ढाबा ना मेरे भी। हाँ भाई साहब, कैसी फीलिंग आ रही है भाई साहब? मजा आ गया गाड़ी चलाकर। आप मेरी भारत वैन चला के देखो, क्या इससे भी आपको ज्यादा मजा आएगा या इसमें ही मजा आपको? अभी भारत वैन की भाई साहब को ट्राई देते हैं हम। ठीक है, सही बात। भारत वैन पहली बार चला रहे हैं भाई जी। गाड़ी देखो यहाँ से। बाबा जी बताना दोनों में क्या फर्क रहेगा, क्योंकि मैं तो खुद ही चलाता हूँ। आज मेरी पहली बार चलाई है आपने गाड़ी। देखो कितना फर्क है, पूरी सीट में हाँ जैम्परी लेती है, तो है ना हिलती नहीं है। हाँ थोड़ा ये आपके ये घुटने लग जा रहे हैं इस पे, है ना। थोड़ा ये सीट पीछे कर लो, हो रही पीछे, इसके पीछे ना एक स्वीकर। चलो भाई साहब मारने लगे सेल्फ, देखते कैसी। और भारत में चलाने वाले और अल्ट्रा चलाने वाले इधर से भाई साहब। इसका मैंने स्विच खराब हो गया था। ये चाबी लगाओ। लो जी ये हो गई अपनी गाड़ी स्टार्ट। चलो 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 महाराज की कृपा से भाई साहब लगाएंगे आज भारत वेंज का चक्कर। क्या फीलिंग है गाड़ी में। ये हैंड ब्रेक, ये लो जी भारत वेंज चला रहे भाई साहब। देखते हैं क्या फर्क है भारत वेंज और अल्ट्रा ड्राइव में। भाई मेरे वाली भारत वेंज में क्या कैसी लग रही। मारो चक्कर थोड़ा खींच के गाड़ी का। क्या बात है भाई, देखते हैं इसको कैसी पसंद आ रही। भारत वेंज बढ़िया या टाटा बढ़िया। ये देखो जी गाड़ी मुड़के आ रही भाई, गाड़ी मुड़के आ रही है। देखते हैं इनको टाटा, मेरे को तो टाटा पसंद आई भाई भारत वेंज 100%। क्योंकि भाई कभी भी गाड़ी चलाकर देखो आप, तभी पता लगता है। कैसा लग रहा भाई गेरों वगैरों में, कैसी लग रही गाड़ी? गाड़ी तो अच्छा है पर गाड़ी बहुत बढ़िया है, पर सीट में बहुत दिक्कत, झटका नहीं आ रही गाड़ी। अच्छा झटका नहीं आ रही तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, जंप ज्यादा कर रही। जंप नहीं करी, एक चक्कर और मार के थोड़ा खींच के जान थोड़ा दूसरे गियर में, है ना। ये लो जी दूसरा चक्कर मारने जा रहा भाई, थोड़ा झटका नहीं आ रहा सीट में। यार जब तक झटका नहीं आता तो मजा नहीं आता गाड़ी चलाने का। क्या बात है, देखते हैं भाई कैसा है अनुभव, देखते हैं ये, देखते हैं अनुभव कैसा है। बढ़िया। अभी बैक लगा के देखो, टाटा सही लगती बैक लगाने में या भारत वेंज? क्या बात है जी, क्या बात है। देखते हैं टाटा बढ़िया लगती भाई साहब को या भारत वेंज बैक रिवर्स लगाने में कितनी इजी है, कौन सी इजी है देखते हैं। इजी है कितनी इजी है देखो। कितनी इजी है देखते हैं। क्या बात है भाई ने गाड़ी तो सही लगा दी रिवर्स करके। अब थोड़ा सा मैं इसका इंटरव्यू कर लेता हूँ कि क्या फ़र्क है और अल्ट्रा और भारत वेंज में, अल्ट्रा और भारत वेंज में क्या फ़र्क लग रहा है, थोड़ी सी बातचीत हो जाए हमारी। अच्छा भाई साहब
रिवर्स करने में कैसी लग रही गाड़ी? गाड़ी चलाने में बढ़िया साहब। हाँ जी, पिकअप वगैरह है? पिकअप नहीं, खाली है तो भरी हुई का देखना पिकअप कैसा है। फर्क तो है ना? फर्क तो है। नहीं, जंप ज्यादा कर रही है या कम? जो आप टाटा की फीलिंग है वो इसमें नहीं है ना। टाटा ही है। क्या बात है जी भाई साहब ने। सही एक्सीलेटर कैसा लग रहा है इसका? अच्छा एक्सीलेटर है, पर सबकी बढ़िया है। सीट में बहुत दिक्कत आ रही है। सीट में दिक्कत है ना आपको? तो पगड़ी भी ऊपर लग रही है यार। क्या बात है वीडियो? हाँ क्या बात है जी। बिल्लू तो भाई साहब ये थी 1916-17 और ये 1918, तो दोनों की अलग अलग फीलिंग है। दोनों गाड़ियों को चलाकर देखा, काफी डिफरेंस है। अल्ट्रा काफी इजी लगी हमारे को, क्योंकि जंप नहीं होती गाड़ी, बहुत ही कम है। भारत में कैसी लगी भाई साहब? भारत में बाबा जी मतलब उतनी फीलिंग नहीं है जितनी टाटा की फीलिंग ज्यादा। हाँ जी, भारत में मतलब उतनी है नहीं फीलिंग, है ना? होनी चाहिए कम्फर्टेबल, ये नहीं है ज्यादा टाटा भाई। अल्ट्रा मैंने जो फील किया है भाई, कहता भाई इसमें इतनी कम्फर्टेबल नहीं। हाँ कैबिन जरूर खुला है लेकिन कम्फर्टेबल उतना नहीं, उतना छोकर नहीं है। अब नए वाली में भाई हम नहीं कह सकते। तो भाई ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, कभी भी आप ट्रक लेना चाहते हैं तो कौन सा मेरे हिसाब से टाटा बेस्ट है, आप अपने हिसाब देख लेना। हम किसी कंपेरिज नहीं करते कि ये कौन सी कंपनी बढ़िया कौन सी घटिया। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह हम देश में बहुत ही अच्छे अच्छे आपको ब्लॉग वीडियो बनाकर लाते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।